फार्मा कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो देखने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राम प्रकाश प्रजापत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फार्मा कंसेप्ट फॉर कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम फार्माकोग्नोसी पार्ट सेकेंड के इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चन व उनके एक्सप्लेनेशन को इस तरीके से डिस्कस करेंगे जिससे कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो सकें। वीडियो के अंत में आपसे एक गोल्डन क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, आपका एक लाइक या एक कमेंट हमारे अंदर फिर से नए टॉपिक बनाने के लिए हमें नई एनर्जी प्रोवाइड करता है, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें वे गोल्डन क्वेश्चन का आंसर अवश्य दें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। फ्रेंड्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टूडेज टॉपिक इज एनोमोसाइटिक स्टोमेटा आर फाउंड इन ऑप्शन ए डिजिटेलिस, ऑप्शन बी सीना, ऑप्शन सी मेंथा एंड ऑप्शन डी स्ट्रामोनियम। तो फ्रेंड्स, किस में होता है एनोमोसाइटिक स्टोमेटा? द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज डिजिटेलिस। फ्रेंड्स, अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो ये गार्ड सेल से कवर होता है और जनरली ये 4 टाइप्स के होते हैं, जिसमें मॉस टाइप, जिम्नोस्पर्म टाइप, ग्रेमिनियस टाइप या डाइकोटिलेडोनस टाइप कह सकते हैं। एंड डाइकोटिलेडोनस स्टोमेटा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। फर्स्ट इज एनोमोसाइटिक स्टोमेटा या रेनन्कुलस स्टोमेटा, इन विच स्टोमेटा सराउंडेड बाय वेरिंग नंबर ऑफ सेल्स। एग्जाम्पल्स इंक्लूड डिजिटेलिस, क्लोव एंड लोबेलिया। सेकेंड देखें पेरासाइटिक या रूबिएशियस स्टोमेटा, इन विच स्टोमेटा हैज 2 सब्सिडरी सेल्स एंड लॉन्ग एक्सिस आर पैरेलल टू स्टोमेटा। एग्जाम्पल्स आर सिन्ना लीव एंड कोका लीव। नेक्स्ट देखें डाइसाइटिक या कैरियोफाइलेशियस स्टोमेटा, जिसके अंदर भी 2 सब्सिडरी सेल्स होगी और लॉन्ग एक्सिस राइट एंगल टू स्टोमेटा रहेगी। एग्जाम्पल्स आर मेंथा, पिपरमिंट एंड वसाका। एंड लास्ट देखें एनाइसोसाइटिक या क्रूसीफेरस स्टोमेटा, जिसमें अनइक्वल सेल्ड स्टोमेटा रहेंगे। एग्जाम्पल्स आर स्ट्रामोनियम, बेलाडोना एंड दतुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। फैमिली ऑफ क्लोव इज ऑप्शन ए पेपेवेरेसी, ऑप्शन बी एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी मिल्टेसी एंड ऑप्शन डी लोरियसी। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज मिल्टेसी। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग और उसकी फैमिली को डिस्कस करें तो फर्स्ट क्लोव, जिसका बोटेनिकल नेम है यूजीनिया कैरियोफाइलस, फैमिली होती है मिल्टेसी और इसका जो प्लांट पार्ट एक्टिवली यूज लिया जाता है वो है ड्राइड फ्लावर बट। नेक्स्ट विंका, जिसका बोटेनिकल नेम कैथेरेंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनेसी एंड ड्राइड होल प्लांट इज यूज्ड। नेक्स्ट ओपियम, जिसका बोटेनिकल नेम है पेपेवर सोमनीफेरम, फैमिली पेपेवेरेसी एंड ड्राइड लेटेक्स फ्रॉम ओपियम पॉपी इज यूज्ड। नेक्स्ट सिनामोन, जिसका बोटेनिकल नेम है सिनामोमम जेलेनिकम, फैमिली लोरियसी एंड ड्राइड इनर बार्क इज यूज्ड। नेक्स्ट देखें सिना, जिसका बोटेनिकल नेम केशिया अंगस्टिफोलिया, अगर हम इंडियन सिना की बात करेंगे तो बोटेनिकल नेम होगा केशिया अंगस्टिफोलिया और अगर हम अलेक्जेंड्रियल सिना की बात करेंगे तो बोटेनिकल नेम होगा केशिया एक्यूटिफोलिया। फैमिली लेग्यूमिनोसी एंड प्लांट पार्ट इज ड्राइड लीफलेट। एंड लास्ट डिजिटेलिस, जिसका बोटेनिकल नेम है डिजिटेलिस पुरपुरिया, फैमिली स्क्रोफुलेरियसी एंड ड्राइड लीव्स आर यूज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3। फैमिली ऑफ प्लांट रोल्फिया सर्पेंटाइना इज ऑप्शन ए स्क्रोफुलेरियसी, ऑप्शन बी एपोसाइनेसी, ऑप्शन सी एरेलियसी एंड ऑप्शन डी क्लेविसिपिटेसी। तो फ्रेंड्स, क्या आंसर होगा इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज एपोसाइनेसी। फ्रेंड्स, अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स और उनकी फैमिलीज देखें तो रोल्फिया, जिसका बोटेनिकल नेम है रोल्फिया सर्पेंटाइना, फैमिली एपोसाइनेसी और ड्राइड रूट और राइजोम इसका एक्टिवली काम में लिया जाता है। अर्गट, जिसका बोटेनिकल नेम है क्लेविसेस पुरपुरिया, फैमिली क्लेविसिपिटेसी एंड ड्राइड स्क्लेरेशियम ऑफ फंगस इज यूज्ड और इसको राई प्लांट के ऊपर ग्रोथ किया जाता है। नेक्स्ट देखें बेलाडोना, जिसका बोटेनिकल नेम है एट्रोपा बेलाडोना, फैमिली सोलेनेसी, लीव्स एंड फ्लोरिंग टॉप्स आर यूज्ड। नेक्स्ट देखें जिनसेंग, जिसका बोटेनिकल नेम है पेनेक्स जिनसेंग, फैमिली एरेलियसी और इसकी ड्राइड रूट एंड राइजोम काम में लिया जाता है।
नेक्स्ट देखें सिनकोना, जिसके बोटनिकल नेम है सिनकोना ऑफिसिनेलिस, फैमिली रूबियसी, ड्राइड बार्क और स्टेम काम में लिया जाता है। एंड लास्ट नक्सवामिका, जिसका बोटनिकल नेम है स्टाइकनस नक्सवामिका, फैमिली लोगेनियसी, एंड इसका ड्राइड राइप सीड काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। एनिथोल एंड फेंकोन वोलेटाइल ऑयल आर केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ, ऑप्शन ए सिनामोम, ऑप्शन बी क्लोव, ऑप्शन सी गार्लिक एंड ऑप्शन डी फेनल। तो फ्रेंड्स क्या आंसर होना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज फेनल। फ्रेंड्स अगर हम वेरियस प्लांट्स उनके सोर्स और वोलेटाइल ऑयल देखें तो सिनामोन का सोर्स होगा ड्राइड बार्क ऑफ सिनामोमम जेलेनिकम, इसके अंदर कैरियोफाइलिन सिनेमिक एल्डिहाइड वोलेटाइल ऑयल पाए जाएंगे। नेक्स्ट देखें क्लोव, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम ड्राइड फ्लावर ऑफ यूजीनिया कैरियोफाइलस, और इसके अंदर होंगे यूजिनॉल एंड कैरियोफाइलिन। नेक्स्ट देखें गार्लिक यानी लहसुन, जिसका सोर्स होगा राइप बल्ब ऑफ एलियम सटाइवम, और इसके अंदर वोलेटाइल होगा एलिसिन, जो कि सल्फर कंटेनिंग कंपाउंड है जिसकी वजह से करेक्टरिस्टिक स्मेल आती है। नेक्स्ट देखें फेनल, जिसका सोर्स होगा ड्राइड राइप फ्रूट ऑफ फोइनेकुलम वुलगेर, और इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल होंगे एनिथोल एंड फेनकोन। एंड लास्ट तुलसी, जो कि ऑब्टेंड किया जाता है लीव्स ऑफ ओसिमम सेंटम से, और इसके अंदर वोलेटाइल ऑयल रहेंगे यूजिनॉल एंड कैरियोफाइलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। राइट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन ए ग्लाइकोसाइड इज मेड बाय ए ग्लाइकोन एक्टिव पार्ट एंड ग्लाइकोन पार्ट, ऑप्शन बी दीज आर ऑप्टिकली एक्टिव एंड लिवर रोटेटरी इन नेचर, ऑप्शन सी दीज आर आइसोलेटेड बाय स्टास ओटो मेथड एंड ऑप्शन डी सिना इज एन एग्जाम्पल ऑफ सी ग्लाइकोसाइड। तो दोस्तों इसमें से कौन सा आंसर इनकरेक्ट रहेगा? तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी। फ्रेंड्स इसका मतलब ऑप्शन ए बी और सी तीनों राइट हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लिंकेज बिटवीन ग्लाइकोन एंड ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स, दीज आर क्लासिफाइड एज सी ग्लाइकोसाइड, जिसके एग्जाम्पल देंगे एलोय एंड कस्कारा। ओ ग्लाइकोसाइड, जहाँ पे ऑक्सीजन की वजह से लिंकेज रहेगी, उसके एग्जाम्पल देंगे सीना एंड रूबार्ब। इसी तरीके से सल्फर एटम की वजह से जो लिंकेज रहती है उसको बोलते हैं एस ग्लाइकोसाइड, और उसका एग्जाम्पल है सिनीग्रीन, जिसे हम ब्लैक मस्टर्ड भी बोलते हैं। और नाइट्रोजन एटम की वजह से जो लिंकेज रहेगी उसको हम बोलेंगे एन ग्लाइकोसाइड, और एग्जाम्पल रहेगा न्यूक्लियोसाइड। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। द बायोमोलिक्यूल्स कॉजिंग हीमोलाइसिस एंड फॉर्मिंग विद वाटर, ऑप्शन ए एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड, ऑप्शन बी कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स, ऑप्शन सी टर्पिन्स एंड ऑप्शन डी सपोनिन ग्लाइकोसाइड। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा बायोमोलिक्यूल है जो हीमोलाइसिस करता है यानी आरबीसी को विघटित करता है और वाटर के साथ में फॉर्म्स देता है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन डी, दैट इज सपोनिन ग्लाइकोसाइड। फ्रेंड्स ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ दीज ग्लाइकोसाइड हैव सोप लाइक प्रॉपर्टी एंड द वेरियस सपोनिन ग्लाइकोसाइड्स आर, फर्स्ट जिनसेंग, जिसे हम रूट ऑफ पेनेक्स जिनसेंग से ऑब्टेन करते हैं, इट हैव ट्राइटर्पिनोइड्स एंड इट इज यूज्ड एज इम्यूनोमोडुलेटरी एंड एफ्रोडाइसिक। नेक्स्ट देखें डायोसीरा, जो ट्यूबर्स ऑफ डायोसीरा डेल्टोइडी से ऑब्टेन किया जाता है और इसका कंस्टिट्यूएंट रहता है डायोसजेनिन एंड इट इज यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल फॉर स्टीरॉयड सिंथेसिस। नेक्स्ट देखें लिक्विराइस, विच इज ऑब्टेन फ्रॉम रूट एंड स्टोलन ऑफ ग्लाइसिराइजा ग्लेबरा एंड इट हैव ग्लाइसिराइजिन एंड लिक्विरिटिन एंड इट इज यूज एज एंटी अल्सर एंड एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट देखें ब्रामी, जो कि ऑब्टेन किया जाता है बेकोपा मोनेरिया से, इट ऑल्सो हैव ट्राइटर्पिनोइड्स एंड इट इज यूज एज ब्रेन टॉनिक। नेक्स्ट देखें गोक्रू, जो कि ऑब्टेन किया जाता है फ्रूट ऑफ ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस से, इट हैव स्टीरोइडल सपोनिन एंड इट इज यूज एज डायूरेटिक एंड एफ्रोडाइसिक एजेंट। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। एन एग्जाम्पल ऑफ कार्डियक ग्लाइकोसाइड इज, ऑप्शन ए कस्कारा, ऑप्शन बी रूबार्ब, ऑप्शन सी डिजिटेलिस एंड ऑप्शन डी कस्कारा। तो फ्रेंड्स क्या आंसर आना चाहिए इसका? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डिजिटेलिस। अगर हम बात करें वेरियस कार्डियक ग्लाइकोसाइड की तो सबसे पहले डिजिटेलिस, जिसका दूसरा नाम है फॉक्स ग्लोव।
इट इज ऑब्टेन फ्रॉम लीव्स ऑफ डिजिटलिस पुरपुरिया एंड इट हैव पुरपुरिया ग्लाइकोसाइड ए एंड बी। नेक्स्ट देखें स्ट्रोपेंथस विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ स्ट्रोपेंथस कॉम्बे एंड द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज स्ट्रोपेंथिडिन। नेक्स्ट स्क्विल विच इज ऑब्टेन फ्रॉम स्केली लीव्स ऑफ बल्ब अर्जीनिया मेरीटाइम एंड द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज सिलोरोसाइड। एंड नेक्स्ट देखें क्यूबेन विच इज ऑब्टेन फ्रॉम सीड ऑफ स्ट्रोपेंथस ग्रेटस एंड द एक्टिव कंस्टिट्यूएंट इज क्यूबेल। तो ये सभी कार्डियक ग्लाइकोसाइड के एग्जाम्पल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 8। द केमिकल टेस्ट यूज फॉर एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड इज ऑप्शन ए बोरनट्राइजर टेस्ट ऑप्शन बी केलर किलियानी टेस्ट ऑप्शन सी बालजेट टेस्ट एंड ऑप्शन डी लीगल टेस्ट। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा टेस्ट है जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को डिटेक्ट करने में काम आता है? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए दैट इज बोरनट्राइजर टेस्ट। फ्रेंड्स बोरनट्राइजर टेस्ट के अंदर एंथ्राक्विनोन्स को एल्कलाइन मीडियम यानी KOH और अमोनिया के साथ ट्रीट किया जाता है जिससे कि रेड पर्पल कलर आता है। एंड दिस रिएक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स आर गिवन ओनली आफ्टर हाइड्रोलाइसिस। इसके अंदर अगर हम वेरियस टेस्ट देखें ग्लाइकोसाइड के तो फर्स्ट बोरनट्राइजर टेस्ट जो एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड देते हैं, नेक्स्ट केलर किलियानी टेस्ट जो डिजिटॉक्सोज की वजह से होता है यानी कार्डियक ग्लाइकोसाइड देंगे जिसमें डिजिटॉक्सोज पाया जाएगा, नेक्स्ट बालजेट टेस्ट जिसमें डिजिटलिस के सोडियम पिक्रेट से रिएक्शन करवाते हैं और येलो ऑरेंज कलर आता है, एंड लास्ट लीगल टेस्ट जिसमें ग्लाइकोसाइड एक्सट्रैक्ट को पेरिडीन और सोडियम नाइट्रोपुरोसाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं और एल्कलाइन मीडियम करते हैं जिससे कि पिंक रेड कलर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 9। एडल्ट्रेंट ऑफ सिना केशिया ओबोवेट यानी डोक्सिना इज आइडेंटिफाइड बाय देयर ऑप्शन ए लॉन्ग ट्राइकॉम्स ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स ऑप्शन सी ओबोवेट शेप विथ टेपरिंग अपेक्स एंड ऑप्शन डी ऑल। तो फ्रेंड्स डोक्सिना को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है अगर ये एडल्ट्रेंट के रूप में शामिल हो तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी दैट इज इट हैव ओबोवेट शेप विथ टेपरिंग अपेक्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से एडल्ट्रेंट सिना के अंदर पाए जा सकते हैं। तो फर्स्ट डोक्सिना जिसे केशिया ओबोवेटा भी बोलते हैं, इट हैव ओबोवेट शेप विथ टेपरिंग अपेक्स एंड आल्सो इट हैव 1% सिनोसाइड। नेक्स्ट देखें पालती सिना जिसका बोटनिकल नेम है केशिया ओरिकुलोटा एंड इट हैव लॉन्ग ट्राइकॉम्स जिससे इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है, इट हैव नील सिनोसाइड। एंड नेक्स्ट देखें अरेबियन सिना, ये भी एडल्ट्रेंट के रूप में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। द एक्टिव प्लांट पार्ट ऑफ रूबार्ब इज ऑप्शन ए ड्राइड राइजोम ऑप्शन बी लीफलेट्स ऑप्शन सी फ्रूट एंड ऑप्शन डी ड्राइड बार्क। तो फ्रेंड्स रूबार्ब के अंदर एक्टिव प्लांट पार्ट कौन सा काम में आता है? आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए दैट इज ड्राइड राइजोम। द वेरियस एंथ्रेसिन ग्लाइकोसाइड एंड देयर सोर्सेज आर फर्स्ट सिना जिसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनेसी एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड लीपलेट ऑफ केशिया एंगस्टिफोलिया अगर हम इंडियन सिना की बात करेंगे तो, एंड केशिया एक्यूटिफोलिया अगर अलेक्जेंड्रियन सिना की बात करेंगे तो। इसका केमिकल कंस्टिट्यूएंट होता है सिनोसाइड ए एंड बी एंड इट इज यूज्ड एज पर्गेटिव। नेक्स्ट देखें एलोई जिसकी फैमिली होती है लिलियसी एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड जूस ऑफ लीव्स ऑफ एलोय वेरा, इट आल्सो हैव केमिकल कंस्टिट्यूएंट सिनोसाइड ए एंड बी एंड इट इज यूज्ड एज पर्गेटिव। नेक्स्ट देखें रूबार्ब जिसकी फैमिली होती है पॉलीगोनियसी एंड इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड राइजोम ऑफ रियम पाल्मेटम, द केमिकल कंस्टिट्यूएंट आर रीन एंड एलोय इमोडिन एंड इट इज यूज्ड एज पर्गेटिव। नेक्स्ट देखें कस्कारा जिसकी फैमिली होती है हाइपेरिकेसी, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम ड्राइड बार्क ऑफ रेमनस पर्सियाना, इट हैव कस्केरोसाइड एज ए केमिकल कंस्टिट्यूएंट एंड इट इज माइल्ड पर्गेटिव एजेंट। तो फ्रेंड्स अब वक्त आ गया है आज के गोल्डन क्वेश्चन का। द गोल्डन क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो इज ग्लाइकोसाइड यूज्ड एज इम्यूनोमॉड्यूलेटर इज ऑप्शन ए जिनसेंग ऑप्शन बी गोक्रू ऑप्शन सी डायोसीरा एंड ऑप्शन डी लिक्विराइज। तो फ्रेंड्स इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। फ्रेंड्स आपका एक कमेंट या एक लाइक हमारे अंदर एक नई एनर्जी प्रोवाइड करता है
अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आपको सही समय पर मिलते रहें। मैं रामप्रकाश प्रजापत आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम एंड थैंक्स।